Hello friends, this is Himanshu, you watching Himanshu Thakur channel. So, आज हम बात करेंगे कि ईमेल बल्क में ईमेल कैसे भेजी जाती है, वो भी फ्री में. पेड भी एक बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, इसके साइट्स हैं जो कि प्रोवाइड करती हैं, पर उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे. पर आज हम जो कि सबसे छोटा तरीका है बल्क मेलिंग करने का, आज हम वो सीखेंगे जीमेल के थ्रू, कि जीमेल के अंदर बल्क मेलिंग कैसे की जाती है. अभी भी बहुत से लोगों को नहीं पता है उसके बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं. तो सबसे पहले अब अपना जीमेल अकाउंट खोलें. जीमेल अकाउंट खोलने के बाद आपको एक एक्सटेंशन के लिए डाउनलोड करनी पड़ेगी, और मैं वो बता देता हूँ कि वो एक्सटेंशन कैसे डाउनलोड करनी है. उसके लिए आपको को ये साइट के अंदर, राइट हैंड साइड के अंदर आपको ये 3 डॉट्स दिखेंगे, इस पर प्रेस करना है. और ये मोर टूल्स के अंदर एक्सटेंशन के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है. या फिर अगर ये पहले ये सीख लेते हैं, एक और तरीका भी बताऊंगा इसको. जो एक्सटेंशन का नाम है वो है जी मास. तो जी मास अगर गूगल में भी आप लिखेंगे जी मास एक्सटेंशन, तो वो आपके आ जाएगी पहले नंबर पर. तो जो मैं भी बता रहा हूँ वो एक्सटेंशन के थ्रू बता रहा हूँ. तो एक छोटा सिंपल तरीका कि गेट मोर एक्सटेंशन पे क्लिक करना है. इसके बाद और यहाँ पर आपने जी मास क्लिक करना है. जैसे आप जी मास लिखेंगे यहाँ पर, तो आपका आ जाएगा एक्सटेंशन, और आपको उस पर इंस्टॉल पे क्लिक करना है. वो इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है. जब इंस्टॉल हो जाए उसके बाद आपको क्या करना है, आपके आपको कोई भी मेल, जैसे आपको सपोज करो आपको मेल सेलेक्ट करनी है, आपने मेल निकालनी है, तो उसके लिए भी मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है कि कैसे मेल निकाली जा सकती है, बल्क ईमेलिंग कैसे निकाली जाती है एक साथ. तो उसके ऊपर एक ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे देखिए. फिर उसके बाद मेरी ये वीडियो को देखिए कि कैसे भेज सकते हैं. तो दोनों ही वीडियो आपके लिए काम की है. तो भेजने के लिए आपको करना क्या होगा, सेम जैसे नॉर्मल मेल भेजते हैं, कंपोज पे क्लिक करना है. और यहाँ पर आपके में जैसे नॉर्मली आप मेल भेजते हैं, तो पहले टू में जिसको मेल भेजनी है उसकी ईमेल आईडी डालते हैं. तो वैसे ही आपको, अगर आपके पास बहुत सारी ईमेल आईडीज हैं, जो कि मैं ले लेता हूँ 2-4 ऐसी, ऐसे ऐसे करके आप अपनी कोई भी ईमेल आईडी जो निकाल लेंगे, जो आपने पहले से एक्सट्रैक्ट कर रखी होंगी मेरे पहले वाले मेथड के थ्रू, उसको सेलेक्ट करें. सेलेक्ट करके आपको यहाँ पर टू के अंदर डालनी है. आप इसमें क्या लिमिट है, इसके अंदर वैसे लिमिट है, जो फ्री की लिमिट है एक दिन की 50 है. इसके अंदर आप 50 मेल भेज सकते हैं एक दिन के अंदर. तो आप इसके अंदर 50 आईडीज डाल सकते हैं एक बार के अंदर. और अगर इसको बढ़ाना चाहते हैं तो वो पेड के अंदर आता है, वो भी आपके पास ऑप्शन है. तो ये एक सिंपल तरीका, छोटा तरीका है. पर अगर आपके पास इसके अंदर बहुत सारे अकाउंट्स हों, तो आप सोच सकते हैं कि अगर आपके पास 20-25 अकाउंट हो, तो आपको कितनी सारी ईमेल आईडीज भेजने को मौका मिल जाएगा, क्योंकि ये फ्री है जीमेल, तो आपको ये पता ही है. तो आपको सेम वैसे ही करना है. पहले टू में ईमेल आईडीज डालनी है, फिर सब्जेक्ट लिखना है, जो भी आप सब्जेक्ट चाहते हैं वो आप सब्जेक्ट लिख दें यहाँ पर, और नीचे अपना मेल, जो भी आपको बॉडी के अंदर मेल जो भेजना है. देन उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है. लास्ट में सिर्फ जो आपको सेंड के बटन के अलावा आपको ये साथ में जो ऑप्शन आ रहा है सेंड मास पे क्लिक करना है. पास सेम डिटो सेम ही है जैसे नॉर्मल मेल भेजते हैं, बस उसके अंदर आपको सेंड क्लिक करना है, जी मास पे क्लिक करना है. तो आपकी सारी मेलें सेंड हो जाएंगी ऑटोमेटिकली. ऐसे ही करके अगर आप चाहें तो अपने और भी जी मेल के अकाउंट बना सकते हैं, और हर एक अकाउंट से 50-50 मेल भेज सकते हैं. तो और अगर आप चाहते हैं कि मैं नहीं बनाना चाहता, तो आप पेड इसका वर्जन ले सकते हैं. इसके अंदर पेड के अंदर और लिमिट बढ़ जाती है इसकी, जो कि बहुत मतलब कॉस्टली बहुत ज़्यादा भी नहीं है. पर अगर खरीदना चाहे तो खरीद सकते हैं. पर अगर आप चाहते हैं कि मैं पैसे इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल फ्री से स्टार्ट करूँ बिल्कुल, तो अपनी बहुत सारी ईमेल आईडीज बना लीजिए, और उसके हर एक अकाउंट से 50-50 मेल भेजें, जिससे कि
आपको शुरू में थोड़ा बहुत प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा, जो भी जिस वजह से भी आप ईमेल मार्केटिंग कर रहे हैं। और उसके बाद अगर चाहें तो आप इसका पेड वर्जन खरीद सकते हैं। तो अगर आपको मेरा ये तरीका अच्छा लगा हो, पहले तो ट्राई कर लीजिएगा, अगर उसके बाद बताइएगा अगर आपको ये तरीका मेरा अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और हो सके तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो को शेयर कर देना, ताकि वो भी ये ट्रिक समझ सकें, सीख सकें। तो बस आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय।